दोस्तों अभी फिलहाल में इंस्टाग्राम में एक प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम यह है कि गाइस यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको गाइस क्लाउड रिफ्रेश फील्ड का ये गाइस काफ़ी एक तरह से गाइस बता दूँ तो आपको अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम होती होगी। जब भी आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते होगे तो यहाँ पे आता होगा क्लाउड रिफ्रेश फील्ड। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे आप फिक्स करोगे उस वीडियो में जानने वाले हो, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इसको फिक्स करते हैं। यदि आपका इंस्टाग्राम में अपडेट हुआ होगा, हो सकता है इस कंपनी क्या करती है इंस्टाग्राम का, वो हमेशा अपडेट लाती रहती है, अपग्रेड एप्लीकेशन को हर एक नया नया फीचर अलग तरह से इंटरफेस यानी कि अलग जगह पे उसको मॉडिफाई एक तरह से करती रहती है, जिस कारण से क्या होता है कि इसमें आपका एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हुआ होगा तो उसको अपडेट किया जाता है, देन आपका ये प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा क्लाउड रेफरेंस फील्ड को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अपना इंस्टाग्राम ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए दोस्तों ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके या इसको आप सेटिंग से भी जा सकते हो, यहाँ पे एक बार क्लियर कैच कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप परमिशन नहीं दिए होंगे तो जो जो आपका गाइस मोबाइल का जो जो परमिशन मांगता है इंस्टाग्राम, उसको आपको परमिशन दे दे रही है। ये आपका पहला स्टेप करके आपको चेक करना है ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों यदि आपका उस तरह से भी नहीं होता है तब आपको क्या करना चाहिए, सो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेनी है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। ठीक है, सबसे पहले आपका फोन में जो भी इंस्टाग्राम है उसको कर देनी है अनइंस्टॉल। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करनी है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। जी दोस्तों आप यहाँ पे सर्च कर लेते हो इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन, देन आपके सामने दोस्तों यहाँ सेकंड में आ जाएगी इंस्टाग्राम ऐप के ओल्ड वर्जन, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। जिससे दोस्तों इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक लेटेस्ट वर्जन का इंस्टाग्राम का आ जाएगी एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्लिक करनी है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लेटेस्ट वर्जन, इसमें क्या है ना कि आपका अपडेट होके आपको मिलेगा, यानी कि इंस्टाग्राम में जो जो आपका अभी फिलहाल में जो अपडेट चल रही है टोटल अपडेट इसमें आपको मिल जाएगा, टोटल फीचर आपको मिल जाएगा, और दोस्तों जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है क्लाउड रिफ्रेश फील्ड इसमें आपका फिक्स हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक करके इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करिएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 100% फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड एपिक में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन का एक आइकन दिया हुआ है, डाउनलोड का लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करनी है। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद दोस्तों एक बार एक काम और कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर आके आपको इसको अपडेट कर देना है, क्योंकि यार प्ले स्टोर में अगर आपका अपडेट नहीं रहेगा तो आपका हो सकता है ये प्रॉब्लम तब तक के लिए फिक्स ना हो, इनकेस हो भी गया होगा आपका, लेकिन फिर भी आप प्ले स्टोर में जाकर एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर क्या करता है, आपको आपके मोबाइल को सिक्योर रखता है, एप्लीकेशन को जो भी है उसको सिक्योर रखता है, जो भी नया नया फीचर होता है वो प्ले स्टोर के थ्रू से आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इंस्टाग्राम में जो भी नया फीचर आएगा आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना इंस्टाग्राम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास देखिए ये प्रॉब्लम चल रही थी, अभी फिलहाल में मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो नहीं किए अभी तक तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का आईडी टेक गुरु राहुल 2 है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का रियल आईडी मिल जाएगा। और दोस्तों कभी भी मेरा इंस्टाग्राम को अगर आप फॉलो करते हैं तो यार सर्च करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि सर्च करिएगा तो मेरे नाम पर बहुत सारा फेक आईडी मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूं कि जिस जो आईडी में मेरा 200+ पोस्ट है, पोस्ट देखिएगा 200+ वो भी मेरा पोस्ट रहेगा, और गाइज हाईलाइट में फेक आईडी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। और दूसरी बात है गाइज, अगर आपको क्लिक करना है तो इस वीडियो को लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में जानी है, वहां पे आपको इंस्टाग्राम का रियल लिंक